हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक कर रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करें। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारियों से रिलेटेड एक वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन को डालेंगे जो कि एसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को परीक्षा देने से पूर्व देखना ना भूलें। तो वन लाइनर ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? सही जवाब इसका ईश्वरचंद विद्यासागर। नील नदी उपहार कौन सा देश है या वरदान कौन सा देश है? तो ये मिस्र का वरदान या उपहार है। लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही जवाब है इसका अस्थि मज्जा या बोन मैरो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। पेनल्टी के शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय जो सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए थे? 6 अगस्त 1945। एनसीसी की स्थापना कब हुई? सन 1948। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब है इसका तबला। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप इसी के भाग है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 कोलकाता अधिवेशन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में पारित हुआ। ब्रॉड गेज लाइन का चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मेहर सेन। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु वेस्ट बंगाल। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जॉन्स। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। भारत का पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा। तो इस तरह से वन लाइनर जीके के कुछ मिक्स क्वेश्चन थे।
अगले वीडियो के साथ हम पर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।